हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका भुगनान। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। तो आज हम करेंगे अपने क्लास 10th का चैप्टर सरमन एट बनारस। तो इस चैप्टर के आज हम देखेंगे समरी, और समरी में मैं आपको कुछ बताऊंगी हार्ड वर्ड्स, उनका मीनिंग। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर है किसके बारे में है? ये चैप्टर है बुद्धा के बारे में, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, जो वो अपने रिलीजियस टीचिंग्स देते थे लोगों को, उसके बारे में ये चैप्टर है। सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। द सरमन, सरमन मतलब क्या होता है? सरमन मतलब होता है उद्देश्य देना, अपने रिलीजियस टॉक्स करना, ठीक है। एट बनारस, समरी बाय बिटी रेनशियो। किसने समरी लिखी है? बिटी रेनशियो ने। ही वॉज एन ऑथर ऑफ सच बुक्स लाइक वैल्यूज एंड वॉइसेस, ठीक है। मतलब वैल्यूज मतलब संस्कार, और वॉइसेस मतलब जब किसी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, तो इन चीजों में ही क्या होता है, ज्यादातर ये स्टोरी वगैरह बनाते हैं। इन दिस चैप्टर टू थ्रोज लाइट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। किसके बारे में है चैप्टर? बुद्धा के बारे में, बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में, मतलब उनकी जिंदगी कैसी थी। लॉर्ड बुद्धा वॉज ओरिजिनली बॉर्न एज अ प्रिंस इन द रॉयल फैमिली। हाउएवर, ऑन एक्सपोजर टू द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ही लेफ्ट द प्रिंसहुड। अब सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि जो बुद्धा थे वो क्या थे, बुद्धा हमेशा से साधु नहीं थे। बुद्धा क्या थे, सबसे पहले प्रिंस थे, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो एक प्रिंस थे। और एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब क्या होता है, जब हम कोई पब्लिकली, जो हम कोई भी चीज करते हैं पब्लिकली, कुछ दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोजर। उनने क्या एक्सपोज करा, सफरिंग्स को उनने देखा, ठीक है, वर्ल्ड की सफरिंग्स को देखा। सेल्वेशन मतलब क्या होता है, मोक्ष। सेल्वेशन मतलब होता है मोक्ष, या फिर जब हम किसी को क्या देते हैं, उससे रिलेटेड, मोक्ष से रिलेटेड जब किसी को टीचिंग देते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं सेल्वेशन। Thus he left all the worldly pleasure. Pleasure मतलब क्या होता है, जिस चीज में मजा आता है, प्लेजर मिलता है, ठीक है। जैसे मोबाइल चलाने में क्या आता है, मजा आता है, तो मोबाइल चलाना क्या हो गया, प्लेजर में मजा आ रहा है। प्लेजर बिहाइंड मतलब सारी जो भी उन्होंने अपनी खुशी थी वो क्या कर रही, सब पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ के जो भी रॉयल फैमिली वगैरह, जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिए। जब उन्हें क्या पता चला, जब उन्हें दुनिया की सच्चाई पता चली। When he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras. He made a lady named Kisa Gautami realize that men are mortal. Mortal मतलब क्या होता है, mortal वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि जो इंसान, जिस इंसान ने जन्म लिया है वो इंसान मरेगा, ठीक है। ये क्या होती है, सच्चाई। तो मोटर मतलब क्या होता है, इसी सच्चाई के बारे में बताया गया है कि जो इंसान जीता है वो मरता भी है, ठीक है। तो मोटर मतलब यही होता है। ऑल्सो अ वाइज पर्सन नेवर ग्रीव्स एट व्हाट इज अनअवॉइडेबल। ग्रीव्स मतलब क्या होता है, किसी चीज का दुख, किसी के मरने का जब हमें दुख होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रीव्स। इट ओनली इनहेंसेस पेन एंड सफरिंग। तो बुद्धा का क्या बताया गया कि बुद्धा ने अपने सबसे पहले जो टीचिंग दी थी, जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या, जो अपनी टीचिंग दी थी, उन्हें सबसे पहले अपनी टीचिंग कहाँ दी थी, उन्हें सबसे पहले अपनी टीचिंग किसा गौतमी नाम की एक लेडी को दी थी। और किस चीज के लिए दी थी वो हम अभी आगे देखेंगे। उन्होंने क्या समझाया था, मोटाल के बारे में समझाया था कि जो जिस इंसान ने जन्म लिया है वो इंसान मरेगा भी, ठीक है। इस चीज के उन्होंने टीचिंग दी थी। और क्या बताया था, जो एक वाइज पर्सन होता है, जो मतलब एक अच्छा इंसान होता है, वो कभी भी किसी के जाने का दुख नहीं बनाता है, ऐसा उन्होंने उन्हें समझाया था। और क्या कहा था, अनअवॉइडेबल, क्या होता है अनअवॉइडेबल पेन, मतलब जिसे इग्नोर नहीं करा जा सकता, जिसे क्या नहीं करा जा, नजरअंदाज नहीं करा जा सकता, जिसे भूला नहीं जा सकता। और ये क्या करता है, इट ओनली इनहेंस पेन एंड सफरिंग। अगर हम क्या करेंगे, इसी बारे में बार बार सोचते रहेंगे, हम मोटाल की सच्चाई को क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा दर्द बस और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा और ना ही वो खत्म होगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, गौतम बुद्ध वहां थे कौन, ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। उनने कहाँ पे जन्म लिया था, नॉर्थ इंडिया में उनने जन्म लिया था, नॉर्थ इंडियन फैमिली में। और वो क्या था, प्रिंस थे। ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस। मोर ओवर हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्था गौतमा। यहाँ पे उनका चाइल्डहुड नाम भी बता रखा है कि बचपन में उनका नाम क्या था, जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्था गौतमा उनका नाम रखा गया था। ही वॉज सेंट टू अ फार अवे प्लेस टू स्टडी हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स एट एज ऑफ 12। उन्हें घर से बहुत दूर भेजा गया था, किस चीज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि उनपे ऐसा था, मतलब जब उनकी कुंडली वगैरह देखी गई थी तो उनको ऐसा बताया गया था कुंडली देख के उनके पेरेंट्स को कि क्या होगा जब ये यहाँ रहेगा, अगर यहाँ रहेगा, ये सच्चाई देखेगा, जब इन्हें लोगों के बारे में पता चलेगा तो क्या कर देगा, सब कुछ छोड़ देगा। तो इस डर से क्या भेजा था, घर से बहुत दूर भेजा गया था पढ़ने के लिए, किस उम्र में, 12 साल की उम्र में। देन
ऑन रिटर्निंग आफ्टर 4 ईयर्स. तो क्या हुआ था, 12 साल की उम्र में चले गए थे और वापस कब आए, 4 साल बाद आए. ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस. सून दे बोथ वर ब्लेस्ड विद अ सन. देन दे कंटिन्यू टू लिव द रूरल लाइफ फॉर अबाउट 10 ईयर्स. क्या हुआ, जब वो 4 साल बाद वापस आए तो उसके बाद उनकी शादी करा दी, उनकी प्रिंसेस से शादी करा दी. और शादी कराने के बाद उनका एक बेटा भी हो जाता है. और क्या बताया गया कि 10 साल तक वो क्या करते हैं, 10 साल तक वो बढ़िया अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी रॉयल लाइफ जीते हैं. उसके बाद क्या होता है, द रॉयल्स वर शेल्डर्ड फ्रॉम द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड. शेल्डर्ड करना मतलब छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है. रॉयल्स मतलब वो क्या कर देते हैं, कुछ समय बाद ही वो क्या कर देते हैं, जो वो बाहर जाते हैं सच्चाई देखते हैं, तो क्या कर देते हैं, उन सब चीजों का त्याग कर देते हैं. जो भी उनका रॉयल था, जो भी उनको मिलता था, मतलब वहाँ पे जो भी फैसिलिटी उन्हें मिलती थी, सारी फैसिलिटी छोड़ देते हैं. हाउएवर वन डे ऑन हिज वे टू हंट द प्रिंस मेट अ सिक मैन. अब क्या होता है, अभी तक उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बस घर ही घर के अंदर, घर ही घर जो मतलब उनका राजघर था पूरा, उनका जो महल था, बस उसी महल के अंदर रह रहे होते हैं. लेकिन जिस दिन वो बाहर जाते हैं, जिस दिन वो घर से बाहर निकलते हैं, उस दिन क्या होता है, उन्हें सबसे पहले क्या मिलता है, अपने रास्ते में एक सिक मैन, मतलब एक बहुत बीमार सा इंसान मिलता है, बूढ़ा सा बीमार सा इंसान मिलता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी. एंड एजेड मैन, एजेड मैन मतलब जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, खांस रहा होता है वो, ऐसा मतलब बिल्कुल मरने की तादाद पे होता है वो एजेड, ठीक है. एजेड मतलब क्या होता है, जिसकी एज बहुत ज्यादा होती है. अब फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब क्या होते हैं, क्रियाक्रम, किसी को क्रियाक्रम को भी देखते हैं. एंड अ मॉन्क हु वाज बेगिंग फॉर, और एक मॉन्क को देखते हैं. बैगिंग मतलब क्या होता है, किसी से भीख मांगना, बैग करना, ठीक है. और एक मॉन्क को भी देखते हैं जो क्या कर रहा होता है, भीख मांग रहा होता है किसी चीज. सच एक्सपीरियंस एक्टेड एन आई ओपनर फॉर हिम, हिंस ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी बिहाइंड टू सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. तो ये सब क्या था, ये सब जो भी था उनके लिए आई ओपनर एक्सपीरियंस था. मतलब इन सब चीजों को देखने के बाद उनकी आंखें खुल जाती है, उन्हें दुनिया की सच्चाई पता चल जाती है. उन्हें वो पूछते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मेरी भी अंतिम क्रिया होगी. तो ये सब उनको पता चलता है, उनकी आंखें खुलती है. और जब उन्हें इन सब ये चीजें रियलाइज होती है, तो क्या करते हैं, वो सारा अपना जो भी उन्हें फैसिलिटी वगैरह मिल रही होती है, सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी सारी क्या छोड़ देते हैं, जो भी ने राजघर की जो भी सारी सुविधा वगैरह जो भी थी, वो सब छोड़ देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, वाइफ, अपने सन को, सबको छोड़ देते हैं. देन व्हेन ही अटेन्ड सेल्वेशन ही बिगेन टीचिंग. फिर क्या होता है, जब वो सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो हमने सुना था पीपल के पेड़ के नीचे जाके क्या करते हैं, वो अपनी तपस्या करते हैं. और जब उन्हें मोक्ष मिल जाता है, तो क्या करते हैं, प्रीचिंग. टीचिंग मतलब क्या होता है, जो नॉलेज हमें है उसको बांटना, ठीक है. जब किसी चीज की नॉलेज होती है, रिलीजियस टॉक्स जिसे हम कहते हैं, रिलीजियस बातें जब हम और उसे करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, अपने उद्देश्य देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीचिंग. जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसके बाद औरों को भी अपनी प्रीचिंग देते हैं, मतलब सबको अपनी क्या देते हैं, उद्देश्य देते हैं. His first sermon given in the city of Banaras. उनका जो पहला जो sermon दिया था, sermon in Banaras, chapter का नाम ही है. उनका जो पहला sermon था, वो कहाँ पे था? बनारस में था. There was a lady whose name was Kiza Gautami, whose son has died. She was suffering from unending pain. Thus, she went from house to house looking for medicine to make her son alive. People thought that the lady has lost her senses. अब क्या होता है, उन्होंने अपना पहला जो उद्देश्य था, अपनी पहली जो प्रीचिंग थी, सरमन था, वो किसको दिया था, एक लेडी को दिया था बनारस में, जिसका नाम क्या था, किसा गौतमी, उस लेडी का नाम था. और उस लेडी का क्या था, उस लेडी का जो बेटा था, जवान बेटा था, वो मर जाता है. तो क्या करती है, घर घर जाके सबको क्या करती है, दवाई के लिए सबसे भीख मांगती है कि मुझे दवाई दे दो, ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए. तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि जो औरत है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, सबने सारे सेंस खो दिए हैं. वो किससे गुजर रही होती है, अनएंडिंग पेन मतलब क्या होता है, जो दर्द कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ठीक है. उसका जवान जो बेटा था, वो क्या होता है, मर गया था, तो उसके लिए क्या था, एक अनएंडिंग पेन था, वो पेन कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा पेन. हाउएवर वन डे शी मेट मैन हु डायरेक्टेड हर टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा. ही फेल्ट दैट बुद्धा कुड पॉसिबली हैव अ सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम. एक दिन क्या होता है, ऐसे भटकते भटकते उस औरत को एक आदमी मिल जाता है, कोई भी रैंडम आदमी मिल जाता है. तो उस आदमी क्या करता है, उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, लॉर्ड बुद्धा के पास तुम्हें जाना चाहिए. तो उस लेडी को क्या लगता है, उस लेडी को ये लगता है कि लॉर्ड बुद्धा क्या कर सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं, मतलब मुझे कुछ ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए. देन बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड्स एंड सीड्स मस्ट बी
secured from a house where there had been no debt. Filled with hope, Kisa Gautami once again went on a search from house to house, but she could not find mustard seeds from a house according to Buddha's condition. अब क्या होता है, जो बुद्धा के पास जाती है, बुद्धा से बोलती है, बुद्धा को अपनी प्रॉब्लम बताती है, उनसे सॉल्यूशन मांगती है, तो बुद्धा क्या कहते हैं, बुद्धा उन्हें बस एक बात कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मस्टर्ड सीड लेके आनी है और मस्टर्ड सीड लाके उन्हें देनी है. और कौन से घर से उन्हें मस्टर्ड सीड लेके आनी है, जहां पे अभी तक किसी की भी डेथ ना हुई हो. तो वो क्या करती है, फिर से घर वो जैसे भटक रही थी वैसी भटकती है. लेकिन क्या होता है, उसे जिस उम्मीद से वो गई थी कि उसे मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा और बुद्धा उसे दवाई दे देंगे, क्या होता है, उसकी सारे अरमानों में पानी भर जाता है. ऐसा कोई घर उसे नहीं मिलता है जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो, और क्या होता है, उसे मस्टर्ड सीड नहीं मिलते हैं, बुद्धा की कंडीशन में वो नहीं खड़ी हो पाती है. Thus she was disheartened. Disheartened मतलब बहुत बुरा लगना, ठीक है, दिल से बुरा लगना, उदास होना. And sat at the edge of the road where she realized how selfish she had been. She realized the fact that men are mortal. Also no one could escape the cycle of life. This was the only fact that Buddha wanted her to understand. अब क्या होता है, जब उसे किसी घर से नहीं मिलता तो बस रोड के किनारे साइड में बैठ जाती है, और उसे क्या होता है, उसे रियलाइज हो जाता है, ठीक है, उसे समझ आ जाती है चीज कि इस दुनिया में क्या है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मरता नहीं है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा. उसको ये फैक्ट समझ में आ जाता है, और जब उसे ये फैक्ट समझ में आ जाता है तो उसे बुद्धा की महानता भी समझ में आ जाती है, और अपना भी समझ में आ जाता है कि कितनी सेल्फिश थी, कि क्या कर रही थी, वो अपने बेटे के लिए घर घर जाके भीख मांग रही थी कि मेरे बेटे के लिए कोई दवाई दे दो जिससे वो जिंदा हो जाए, ठीक है. उसके बाद क्या आता है, उसे लाइफ की साइकिल समझ आती है कि जो इंसान ने, मतलब जिस इंसान ने जन्म लिया है वो इंसान मरेगा. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, ग्रीफ और सॉरो मतलब दुख खेद, increases man's pain and suffering. It serves no other purpose. Moreover, it detracts the health. Thus, a wise person who is fully aware of nature's functioning must not grieve at something bound to happen. This is the only way in which he can be happy and blessed. अब बुद्धा ने क्या बताया? बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में बताया है. बुद्धा ने ट्रेन करा था उस औरत को भी ये बात बताई थी कि क्या होता है एक अच्छा इंसान, उन्हें क्या बताया था, एक अच्छे इंसान के बारे में क्या बताया था कि हमारे साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है हमें बुरा लगता है, ठीक है, बार 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 हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी बारे में बुरा लगता रहता है, हम क्या करते हैं अपने पास्ट में जीते रहते हैं. उन्होंने बताया था कि जो इंसान ऐसा होता है ना, हमेशा सोचता रहता है अपनी गलती के बारे में, जिससे हमें हमेशा दुखी रहता है हर चीज का, वो क्या होता है कभी खुशी से नहीं जी पाता है. इसे क्या होता है, ग्रीफ, ग्रीफ क्या होता है, किसी के मरने का दुख, मतलब उसे कोई मर जाता है तो क्या होता है, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो डिप्रेस हो जाते हैं ना, डिप्रेस हो जाते हैं तो उससे किसका किसका नुकसान होता है, खुद का नुकसान होता है, अपनी हेल्थ खराब होती है ना. उन्हें ऐसे इंसानों के बारे में बताया था कि ये ठीक नहीं है, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें नेचुरल प्रोसेस जो हो रहा है उसे करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो जिंदा है, मतलब जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी. तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, कल हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स. Thank you.